आज मैं लेकर आई हूँ सिर्फ 5 मिनट में बनने वाले गेहूं के आटे के बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। तो इसके लिए लिए मैंने 1 कप गेहूं का आटा, साथ में मैंने 2 चम्मच सूजी का डाल दी है। सूजी डालने से ये नाश्ता बहुत ही खस्ता बनता है। 1/2 चम्मच कलौंजी ली है, 1/2 छोटा चम्मच नमक ली है और 1 चम्मच मैंने ली है तेल, रिफाइंड ऑयल ली है मैंने, आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं आप। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इनको मैंने मिक्स कर दी है, पानी लेंगे और गेहूं के आटे का हम एक डो बना के तैयार करेंगे। तो डो हमारा बन के रेडी है, इसको साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिए मैंने 2 मीडियम साइज के कद्दूकस करके आलू, बॉईल किया हुआ आलू है, इसमें हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज का चॉप किया हुआ प्याज, 1 हरी मिर्च चॉप किया हुआ, अदरक का पेस्ट, साथ में हरा धनिया भी डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, यह ऑप्शनल है, 1/2 छोटा चम्मच जितना हम ले रहे गरम मसाला। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये स्टफिंग जो है हमारा बन के रेडी है। अब गेहूं के आटे को भी चेक करते हैं और इसको हम 1 मिनट के लिए गूंथ लेंगे, इसको और सॉफ्ट कर देते हैं। अब हम इसका लोई बना के तैयार कर लेंगे। तो मैंने लोई बना ली है। अब 1 लोई को चकले पर रख देते हैं और ऊपर से सूखा हुआ आटा लगाकर हम इसका 1 रोटी बेल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गेहूं के आटे का रोटी बेल ली है। अब हम इसको स्क्वायर करके काट लेते हैं, या तो आप बेलने के टाइम में भी स्क्वायर करके बेल सकते हैं। तो मैंने काट ली है। अब हम स्टफिंग को रख देते हैं इस यहाँ पे और इसके साइड में है ना हम पानी लगा देंगे, क्योंकि ये बहुत ही सूख गया है तो हम पानी लगा देंगे चारों साइड में। अब मैंने चकले को इस तरह से घुमा दी है ताकि आप अच्छे से देख सको इसको। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये अच्छे से चिपक जाता है क्योंकि मैंने इसके चारों साइड में पानी लगाई थी। और दोनों साइड से हम इसको बंद कर देते हैं। तो ये बन के तैयार है, इसी तरह से सारे हम बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल को गर्म कर ली है, तेल मीडियम हॉट होना चाहिए और इसमें हम डाल देते हैं ये जो बनाए थे हमने, इसको डाल देंगे और हम इसको अलटते पलटते फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो हम इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाए। तो तैयार है हमारा नाश्ता, आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।